आज पैसिव का पार्ट टू है, जिसमें हमने पार्ट वन में पढ़ा था कि पैसिव बनाते कैसे, हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, मेन वर्ब कैसी होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल दिए हैं और एक एडवांस एक पॉइंट बताना है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है, तो आदमी से कौन बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या एरर है? इसमें एक एरर है, क्या है? द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। वर्क क्यों हो जाएगा? अगर देखा जाए होमवर्क है तो होमवर्क तो सिंगुलर हो गया, और होमवर्क के बाद क्या आता है? अगर होमवर्क सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। लेकिन हमको इसमें पार्सिंग करके देखना, क्या करके देखना है? पार्सिंग करके देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द बॉयज हु हैड, ये जो हैड है ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये डन क्या हो गया? मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन है? हु हो गया, हु के अकॉर्डिंग आ गया। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है वॉज पनिश्ड, तो पनिश किसको किया गया है? होमवर्क को पनिश किया गया है कि बॉयज को पनिश किया गया है? बॉयज को पनिश किया गया है। तो बॉयज यहाँ पर सिंगुलर है कि प्लुरल है? अगर ये प्लुरल है तो इसकी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लुरल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे एरर क्या थी? वैसे देखा जाए तो होमवर्क जो सिंगुलर होता है, होमवर्क के बाद क्या आएगा? वॉज। लेकिन होमवर्क इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट कौन है? द बॉयज है। उसी के बाद नीचे कुछ फिक्स प्रेपोजिशन दिए हैं, क्या दी गई हैं? ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, जैसे नो एक वर्ब हो गया, डेकोरेटेड हो गया, कंटेंड हो गया, एनॉयड हो गया, सरप्राइज हो गया। ये कुछ ऐसी क्या हैं? कुछ ऐसी वर्ब हैं जिसमें हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? फिक्स प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं हम। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बाई का यूज़ बार बार करें। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है? नो। नो मीन्स क्या होता है? जानना। तो अगर आप किसी को जानते हो तो आप ये नहीं कहोगे आई एम नोन बाई, आप क्या लिखोगे? नोन के बाद टू। एनॉयड का मतलब होता है नाराज, क्या होता है? नाराज। अगर आप किसी पर्सन से नाराज हो, किससे नाराज हो? किसी पर्सन से नाराज हो तो क्या यूज़ करोगे? लेकिन अगर आप किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी मैटर पे नाराज़गी दिखा रहे हो तो एट का यूज़ करोगे। इनगल्फ के बाद क्या आता है? इन। इनगल्फ का मतलब क्या होता है? घुसना, चारों तरफ से घेर लेना, उससे ढक जाना, उससे प्रभावित हो जाना। तो इसके बाद जो प्रपोजिशन आएगी वो कौन सी आएगी? इन। हम बाई का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डेकोरेटेड। डेकोरेशन से बना है, डेकोरेशन जो होता है वो नाउन होता है और डेकोरेटेड वर्ब होती है। अगर आप डेकोरेटेड कर रहे हो तो उसके बाद बाई ना लगा कर क्या यूज़ करोगे? सरप्राइज के बाद क्या आएगा? एट आएगा। हम बाई का यूज़ नहीं करेंगे। अमेज के बाद भी एट का यूज़ करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ कंटेंट। कंटेंट आपने सुना होगा, कंटेनर। तो इसको कंटेनर क्यों? यस, नो नो, यू कैन नॉट राइट अमेज्ड बाय, यू विल हैव टू राइट अमेज्ड एट। इट इज फिक्स प्रेपोजिशन। नो, देर इज नो यूज ऑफ बाय, वी विल ऑलवेज, वी कैन नॉट यूज नोन बाय। देर इज एन एग्जाम्पल, यू कैन सी इट एंड दिस। देर आर टू एग्जाम्पल्स, आई नो हिम, ये आपकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे अगर जनरल इसका पैसिव बनाते हैं, जनरल का मतलब जो इसका बेसिक फंडामेंटल जो सॉरी बेसिक रूल होता है वो क्या कहता है कि सब्जेक्ट सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया है, उसके बाद वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म होती है तो इस आरम में कन्वर्ट करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इतने में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन जो आंसर चेंज हो रहा है वो कहाँ से चेंज हो रहा है? क्योंकि हम वैसे देखा जाए तो बाई से ही है, लेकिन फिक्स प्रेपोजिशन जो होती है वो अपने बाद बाई नहीं लेती है, नो के बाद क्या लेती है? इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? और ये वाला आंसर जो होगा वो गलत माना जाता है। ठीक, उसी प्रकार कंटेंड, आपने एक वर्ड सुना होगा कंटेनर, एक ऐसा बॉक्स टाइप का होता है। ठीक, उसको कंटेनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर हम कुछ चीज़ को कंटेन करके रख सकते हैं। तो कंटेंट के बाद प्रेपोजिशन क्या आती है? इन। फिल्ड का मतलब फुल, भरा हुआ। जैसे ग्लास है वो पानी से भरा हुआ, वैसे जनरल मीनिंग देखें तो फ्रॉम वाटर या बाय वाटर, ना हम फ्रॉम यूज़ करेंगे ना ही बाय यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉटल है, क्या है ये बॉटल में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? दिस बॉटल इज फिल्ड विद वाटर बोलेंगे, विल
फिल्ड बाय वाटर या फिल्ड फ्रॉम वाटर, ये गलत हो जाता है। उसके बाद लाफ के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आती है, एट आता है। ठीक, लाफ के बाद हम बाय का यूज बाद में करेंगे, लेकिन ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा एक फ्रेज है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिया है, आई नो हिम, तो आपके पास दो ऑप्शन है। देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, बाय वाला, लेकिन नो के बाद फिक्स प्रेपोजिशन टू आती है, बाय का यूज नहीं करते, तो आंसर क्या हो जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव। तो सबसे पहले आप टेंस देखें, टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूस है। आर हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये क्या हो गया, मेन वर्ब। जब हम लोग पैसिव बनाते हैं कॉन्टिन्यूस का, तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, बींग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू हो गया ऑब्जेक्ट, और लाफ के साथ ये पूरा का पूरा फिक्स है। ये एट जो है वो लाफ के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है। जैसे एक और होता है लुक एट होता है, लुक इनटू होता है, लुक आफ्टर होता है, वो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज को देखना, लुक आफ्टर का मीनिंग होता है किसी चीज की देखभाल करना, ठीक है ना। और लुक फॉर का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को सर्च करना, तो वो फिक्स प्रेपोजिशन होती है। उसके बाद दे आर लाफिंग एट यू, अगर हम इसमें इसका पैसिव बनाएंगे तो यू कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले यू के बाद यहाँ जो मेन वर्ब आएगी, इज आएगी या आर आएगी, इज आर आएगी, यू आर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सिर्फ बाई देम, तो अभी ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि लाफ के बाद जो फिक्स प्रेपोजिशन होती है हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर एट लगाना पड़ेगा। अब बात ये आती है, सर एक साथ दो प्रेपोजिशन का इन जनरल यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन ये जो प्रेपोजिशन है वो अकेले नहीं आई है, वो किसके साथ आई हुई है, लाफ के साथ। इसका मतलब लाफ एट, लुक इनटू, लुक आफ्टर, ये कंप्लीट फ्रेज होते हैं, उसका इससे लेना देना नहीं होता है। अगला हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, विद इन अ फ्यू मिनट्स द फैक्ट्री वॉज इनगल्फ्ड बाय फ्लेम्स। इसमें एक एरर है, आपको बतानी है सेंटेंस में क्या एरर है। तो अभी मैंने क्या पढ़ा, इनगल्फ, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही क्षण में, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अभी सूरत में एक एक्सीडेंट हुआ था फायर का, एक इंस्टीट्यूट था जिसमें बहुत सारे बच्चे थे उमर गए थे। मान लेते हैं उसी सेंटेंस को हमने उसी फॉर्म में बोला, विद इन अ फ्यू मिनट्स द फैक्ट्री, फैक्ट्री की जगह मैंने लिख दिया द इंस्टीट्यूट, ठीक, वॉज इनगल्फ, तो यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन क्या यूज़ करना पड़ेगा, इन यूज़ करना पड़ेगा, बाय हम अगर यूज़ कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आपको इसमें एरर बतानी है, द मैनेजर वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड बाई द मिसमैनेजमेंट, तो आप आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनॉइड के बाद दो प्रेपोजिशन आती है, एक विद तब यूज करते हैं जब आप किसी पर्सन, इसमें एक एंग्री भी होता है, एंग्री के साथ विद कब यूज करते हैं, जब कोई पर्सन होता है, एनॉइड के साथ एट कब यूज करते हैं, जब कोई थिंग होती है। इस वर्ब की वजह से, इसकी वजह से ये क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक, एक्सट्रीमली एनॉइड, एनॉइड यहां पर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको अगर एनॉइड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना हो तो कैसे बताओगे, ये वर्ब है या एडजेक्टिव है क्या है, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज दिस एनॉइड, एडजेक्टिव, कैसे कहा एडजेक्टिव, मैनेजर की वो क्वालिटी नहीं बता रहा है, एक्सट्रीमली एनॉइड, ठीक है ना, द मैनेजर जो था, हाँ कह सकते हैं ये मैनेजर की इन्फॉर्मेशन है, जो मैनेजर जो था वो कैसा था, एनॉइड था, कितना एनॉइड था, तो एक्सट्रीमली जो हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर एडवर्ब हो गया, और एनॉइड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पर वो वर्ब नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंग ये जो वर्ब हो गई वॉज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हुई या मेन वर्ब हुई, ये वॉज यहाँ पर अब किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का, क्योंकि आगे किसी भी टाइप का एक्शन नहीं हो रहा। तो एक बात बताइए, जो मैनेजर जो एनॉइड था, नाराज था, वो किस चीज पर नाराज था, किसी पर्सन पर नाराज था, अगर किसी पर्सन पे नाराज होता तो हम प्रेपोजिशन क्या यूज करते, विद, लेकिन वो नाराज किस चीज पर है, एक थिंग की बात कर रहा है, मिसमैनेजमेंट जो है वो कोई पर्सन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एट लिखना पड़ेगा, विद अगर लिख देंगे तो भी एरर बन जाएगी, क्यों, क्योंकि मिसमैनेजमेंट जो है वो
कोई पर्सन नहीं है। मिस यहाँ पर एक प्रफिक्स लगा हुआ है, मिस का मीन्स क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। जैसे मैंने कुछ वर्ड बताए थे वोकैब वाली वीडियो में, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, ठीक उसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6, 30 एप्पल्स आर कंटेन्ड बाय दिस बॉक्स। तो अभी मैंने क्या बताया, कंटेंट कंटेनर बताया, भरा होना। तो 30 एप्पल्स आर कंटेंड, हम बाय का यूज़ नहीं करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम आज की बात करें, जैसे आप लोग जानते हैं लास्ट पिछला जो दिन था इंडिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच हो रहा था, लेकिन ड्यू टू रेन उसको स्थगित कर दिया गया। फिर ऐसी न्यूज़ आई कि उसको नेक्स्ट डे खेला जाएगा। अभी मैच स्टार्ट हुआ कि नहीं स्टार्ट हुआ अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक। तो हम उसी को एक एरर मैंने बना दी है, आपको इसमें एरर बतानी है कि इसमें एरर क्या है। तो एक चीज़ देखिए, द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिस्टर्बेड बाई रेन, है तो सेंटेंस पैसिव में है, ठीक। तो यहाँ पर एरर कहाँ है? आदर्श सी पार्ट, आदर्श का कहना है सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? वॉज हो जाएगा। अगर मैं पूछूं रीजन, तो क्या आप बता सकते हैं रीजन क्यों वॉज हो जाएगा? आपको मीठा मीठा लग रहा है वॉज हो जाएगा, या रीजन भी पता है? कभी कभी बच्चों को लगता है सर ये हमको अजीब सा लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर एरर होता है। कभी कभी जब समझ में नहीं आता, अजीब सा लगता है, अंदर से अजीब सी फीलिंग आती है, तो वहीं पर हम लोग टिक मार देते हैं। लेकिन हमको रीज़न पता होना चाहिए अगर ये गलत है या नहीं। हो सकता है यहाँ एरर ना भी हो, कहीं और भी एरर हो। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या इन्होंने जो बताया है वो एरर सही है कि गलत है? इसका मतलब वर की जगह मुझे अगर अब पूछा जाए रीज़न, तो वैसे अगर ना समझ में आया करे तो मैंने एक चीज बताई हुई है आपसे कि सबसे पहले उसकी पार्सिंग करके देख लो। क्या करके देख लो? पार्सिंग करके देख लो। द लास्ट डेज प्ले, अब एक बात बताइए, ये प्ले यहां पर वर्ब है कि क्या है? प्ले तो वर्ब होती ना, क्या यहां वर्ब है? क्यों वर्ब नहीं है? ये आर्टिकल किसके लिए आया है? द लास्ट डेज प्ले, लास्ट डेज प्ले का मतलब पिछले दिन का खेल, और अपोस्ट्रोफी का यूज किसके साथ करते हैं? ये जो अपोस्ट्रोफी होता है, मैंने अगर लिख दिया यहां पर राम्स कार, इसकी मीनिंग क्या हो गई? राम की कार। तो अपोस्ट्रोफी का यूज किसके साथ होता है? नाउन के साथ होता है। इसी प्रकार ये जो प्ले वर्ड हो गया, यहाँ पर किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है। और आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। और ये लास्ट वर्ड क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये हमारा पूरा एक कंप्लीट वर्ड हो गया, द लास्ट डेज प्ले, ये पूरा एक कंप्लीट वर्ड हो गया। उसके बाद ये क्या दिया गया है? प्रेपोजिशन। क्या दिया गया है? प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट होने का अधिकार किसको है? या तो नाउन को है, या तो प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, वो ऑब्जेक्ट जुड़ा किससे है? अगर वो ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये नाउन भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इस प्रेपोजिशन की वजह से इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में वर्ब कौन लेता है? जो वर्ब आती है सेंटेंस की, वो किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? इसका मतलब इसकी वजह से ये और ये मिलकर वर्ब नहीं लेंगे। वैसे अगर रूल देखा जाए तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड एक या दो अलग अलग टीम, अगर दो अलग अलग टीम है तो यहाँ पर वर्ब तो सही हो जाएगा, लेकिन ये जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? द लास्ट डेज प्ले, ये सिंगुलर है कि प्लुरल है? तो आप जान सकते हैं सिंगल मैच की बात कर रहा, तो यहाँ वर्ब की जगह वॉज हो जाएगा। डिस्टर्बेड बाई रेन, और बाई रेन यहाँ पर जो हो गया ये भी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग ये रेन क्या बन गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर की एरर्स थी, ये भी एक प्रीवियस ईयर की एरर थी, लेकिन मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंडिया एंड श्रीलंका को हटाकर मैंने इंडिया एंड न्यूजीलैंड कर दिया, ताकि थोड़ा सा लाइव लाइव लगे। तो जिसको नोट कर लीजिए, चलते हैं इसके आगे वाले फिर क्वेश्चन पर। कुछ तो यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मैंने यहाँ हेडिंग डाल रखी है बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। व्हाट इज कॉमन सेंस?
अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन सेंस क्या होता है, ऐसी चीज जो सबके पास होती हो, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर हम इसका पैसिव बनाएं तो जनरल इसका पैसिव क्या बनेगा, पुलिस अरेस्टेड मी। सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में कि पास्ट में, अगर पास्ट में है इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, आई वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पीपल है वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कहाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये प्रेपोजिशन की वजह से ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है लेकिन मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा जो पैसिव बनेगा वो कैसे बनेगा, इंग्लिश स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ईजी आएगा कि या वॉज आएगा, इज आएगा, क्यों, प्रेजेंट में हमेशा क्या आता है, स्पीक, सॉरी इज, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल। नेक्स्ट, एवरीवन शुड स्पीक द ट्रूथ, क्या बनेगा इसका, द ट्रूथ, एवरीवन शुड स्पीक द ट्रूथ, द ट्रूथ शुड, मोडल्स में क्या यूज करते हैं, बी स्पोकन बाय एवरीवन। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी, तो डॉक्टर ने, एक पर्सन है उसको सलाह दी है, तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, जो यहां पर आएगा वो क्या आ जाएगा, शी, जब इसको इधर लाएंगे सब्जेक्ट का काम करेगा, शी वॉज एडवाइज, शी वॉज एडवाइज वॉट, सर्जरी बाय द डॉक्टर। उसके बाद समवन हैज स्टोलन माय वॉच, तो माय वॉच हैज बीन स्टोलन बाय समवन, इसका ये पैसिव बन गया, इसका पैसिव क्या बनेगा, द विंड कैन नॉट बी बाई, और नो वन का क्या बन जाता है, एनी वन, समवन गेव हर अ बुलडॉग, सॉरी अ डॉल, अ डॉल वॉज गिवेन टू हर बाई समवन। तो ये मैंने इसके सबके पैसिव बना दिए, क्या बना दिए, पैसिव बना दिए, तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ किया है कॉमन सेंस, ठीक, इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पर कॉमन सेंस क्या, मैं कहना क्या चाहता हूँ समझिएगा जरा। एक छोटा सा बच्चा था, ठीक, एक छोटा सा बेबी था, या कह मान सकते हैं 3 या 4 साल का, और ये उसके फादर थे। एक नाला था, ये क्या था, एक नाला था, तो उस जब बच्चे को स्कूल जाना होता था तो उसके पापा कहते थे, बेटा मैं तुमको स्कूल छोड़ दूंगा, तुम अकेले स्कूल मत जाओ, ये उसका स्कूल था, ठीक। तो बेटे को जब छोड़ने जाते थे तो उससे कहते थे, बेटा देखो ये बीच में नाला पड़ता है, नाले को आप आराम से तसल्ली से फांद कर जाना, नहीं तो आप नाले में गिर जाओगे। तो पहले उसके पापा जाते, उसके पापा उसको फांद के बताते थे कि बेटा एक पैर ऐसे आगे रखो, बैग को अच्छे से पकड़ लो, फिर सेकंड पैर आगे रखो, तो उस बच्चे को समझाते थे, हमेशा ये कहते थे कि बेटा नाला फांद के जाना, बेटा नाला अच्छे से फांद के जाना, ऐसा इस वजह से डेली कहते थे ताकि बेटा को, बेटे को याद रहे, बेटा कोई भी मिस्टेक ना करे जिसकी वजह से वो वहाँ से गिर जाए। तो होता क्या था, ये बेटा जाता था, ऐसे चला जाता था साथ में पापा के। एक बार पापा ने कहा कि बेटा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँगा, अब तुमको अकेले ही डेली स्कूल जाना पड़ेगा। जब अकेले ही डेली स्कूल जाना पड़ेगा तो ये बेचारा डरने लगा, मैंने कहा नाले में ना गिर जाऊँ। तो एक दिन संडे को पापा इसके लिए गए और इसको समझाया कि बेटा नाला ऐसे फांद के जाना है, ऐसे फांद के जाना, समझा दिया। ये जो बच्चा था वो नाला फांद के स्कूल
जाने लगा, नहीं गिरा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन में सरकार ने यहाँ पर एक रोड बनवा दी। क्या बनवा दी, थोड़ा आगे से रोड बनवा दी, और जो बाकी जो बच्चे थे वो उस रोड से इधर स्कूल चले जाते थे। लेकिन ये वो बच्चा था जो आज भी नाला फांद कर ही स्कूल जाता था। इस स्टोरी से, इस लिंक से मैंने जो बताया यहाँ पर, आपको पता क्या चला कि इस बच्चे ने क्या नहीं यूज़ किया, कॉमन सेंस नहीं यूज़ किया। जब सरकार ने रोड बनवा दी है तो बच्चे को कैसे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अपने पापा का भक्त था। उसने क्या बोला अपने मन में, नाला फांद के जाना है, इस वजह से वो नाला फांद के स्कूल जाता था। तो इस बच्चे के पास किस चीज़ की कमी थी, कॉमन सेंस। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे वर्ड लिखे हो, सॉरी, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए जिसमें हमको एक कॉमन सेंस लगाना, जो कभी कभी हमारे एग्जाम में मिस्टेक पैदा कर देता है। तो ज़रा समझिएगा, पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। एक बात बताइए, अरेस्ट करने का काम कौन करता है? क्या कोई चोर आपको अरेस्ट करेगा? क्या आपके चाचा जी आपको अरेस्ट करेंगे? आपके चाचा जी तभी अरेस्ट कर सकते हैं जब वो पुलिस की, चाचा किडनैप कर सकते हैं बड़े पापा से पैसा मांगने के लिए, लेकिन चाचा अरेस्ट नहीं कर सकते। तो जरा मुझे एक बात बताइए, आई वॉज अरेस्टेड, अगर आप यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म कर दो तो क्या आपको मीनिंग नहीं पता चली? अगर आपने ये बोला कि मम्मी माई फ्रेंड वॉज अरेस्टेड, तो क्या मम्मी ये पूछेंगे कौन ले गया, कौन पकड़ ले गया? कभी मम्मी पूछती हैं? नहीं पूछती हैं। मम्मी का माइंड पहले एक कॉमन सी बात है, अगर अरेस्ट हुआ है तो किसने अरेस्ट किया होगा, तो हमें बाद में बाई पुलिस ऐड करने की ज़रूरत, अगर हम ऐड कर देते हैं वो चीज़ गलत मानी जाती है। तो यहाँ सेंटेंस का रियल क्या बनेगा, पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश को बोलेगा कौन, बोलने का काम कौन करेगा, पीपल ही करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया, आपने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपने बोला मम्मी इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपने ये बोला तो आपकी मम्मी क्या समझेगी, कोई जानवर इंग्लिश बोलता था? नहीं, ये अंडरस्टूड है। अगर आपकी मम्मी, आपने अपनी मम्मी से बोला कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो पीपल ही होंगे। क्या जरूरत है, तो सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो बाई द पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ एवरी वन शुड स्पीक द ट्रूथ, सच किसको बोलना चाहिए? तो आपने अगर बोला द ट्रूथ शुड बी स्पोकन, बाई एवरी वन लगाने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड है, बोलने का काम करेगा तो कौन करेगा, कोई पर्सन ही करेगा, तो बाई एवरी वन यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हर 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। सर्जरी के बाद 15 दिन तक आप आराम करो, ये बात किसने बोली है, डॉक्टर ने। सर आप ये भी तो कह सकते हैं, मान लेते हैं उसकी सर्जरी हुई, उसके फ्रेंड ने उससे कहा कि तुम 15 दिन कॉलेज मत आना, रेस्ट करो। अगर फ्रेंड ने बोला होता तो हम वहां पर बाई फ्रेंड लिख देते तो गलत, मम्मी ने बोला होता बाय मदर, लेकिन अगर उस चीज़ को किसने बोला है, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, वो एडवाइस किसने दी होगी, डॉक्टर ने। तो यहाँ पर हमें डॉक्टर का यूज़ नहीं हुआ। अगर आप करते हैं तो उसे स्लैंग माना जाता है। उसके बाद समवन हैज स्टोलन माय वॉच, आपने बोला चिल्ला चिल्ला के किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, लेकिन आप जब हिंदी में बोलते हो मेरी घड़ी चोरी हो गई, मेरी साइकिल चोरी हो गई, आप किसी का नाम लेते हो। इसी प्रकार आपने इंग्लिश में बोला समवन हैज स्टोलन माई वॉच, अब इसी का पैसिव अगर बनाएंगे तो माई वॉच हैज बीन, क्या आपको पता है किसने चुराई? अगर मैं यहाँ लिख देता राम, तो यहाँ पर बाई राम सही हो जाता, लेकिन वो डेफिनेट पर्सन हो गया, लेकिन किसने चुराई आपको पता है? जब आपको नहीं पता तो बाई समवन ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस क्या लिखा, नो वन कैन सी द विंड, तो द विंड कैन नॉट बी सीन, बाई एनी वन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कॉमन सी बात है, हवा को नहीं देखा जा सकता, तो फिर वो कोई भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद समवन गेव हर अ डॉल, तो अ डॉल वॉज गिवन टू हर, किसने दी उसको डॉल, आपको पता है किसने दी? जब आपको नहीं पता तो बाई समवन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ राधा गेव हर, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बाय राधा। इसका मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर पैसिव बनाते समय बाय का यूज़ नहीं होता। बाय का यूज़ इस वजह से नहीं होता क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं इसके अगले पार्ट में, ठीक है।
तो अगला पार्ट क्या है हमारा, कुछ और सेंटेंसेस है प्रीवियस ईयर के। जैसे मेरे पास दिया हुआ है, गांधी जी स्टार्टेड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942। हमें इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब। तो अगर आप देखें तो स्टार्टेड यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। गांधी जी स्टार्टेड वॉट, तो वॉट का आंसर क्या आया, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ये पूरा कंप्लीट वर्ड है, ये किसका आंसर है, वॉट का। जो वॉट का आंसर होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। When, कब उन्होंने स्टार्ट किया, इन 1942। तो एक बात बताना, इस प्रपोजिशन की वजह से ये किसका आंसर हो गया, when का। और अगर when का आंसर है तो ये क्या हो गया, अदर वर्ड। हम ऑब्जेक्ट का पैसिव बनाते हैं कि अदर वर्ड का पैसिव बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का पैसिव बनाते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, द क्वाइट The Quiet India Movement। अब एक बात बताना, स्टार्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड में वॉज आता है कि इज आता है, उसके बाद बाई गांधी जी इन, उसको वैसे ही वैसा। हम इन 1942 को पहले नहीं ला सकते। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि गगन नारंग एंड विजय वॉन ब्रॉन्ज मेडल्स इन द लंडन ओलंपिक्स। ठीक, ये भी सेंटेंस आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो एक बात बताइए, इसमें वर्ब क्या है, तो ये दोनों पर्सनों ने जीता, व्हाट क्या जीता, तो पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, और वेयर, इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि वेयर का आंसर क्या है, तो वेयर का आंसर क्या है, तो आप जब सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो इन द लंडन ओलंपिक्स पहले आएगा कि ब्रॉन्ज मेडल्स आएगा, ब्रॉन्ज मेडल आएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, अदर वर्ड। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, ब्रॉन्ज मेडल्स, सिंगुलर या प्लुरल। अगर ये प्लुरल है तो पास्ट की कौन सी वर्ब की फॉर्म लेंगे, वॉज या वर, वर, उसके बाद बाई, किसके द्वारा जीता गया, गगन नारंग एंड और उसके बाद इन द ओलंपिक्स, वो पूरा का सेम टू सेम उतार देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसमें एक छोटी सी चीज है जो आपको मैं बता दूं, दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों में आप एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो एक बात बता दें हम आपको, जब हम इन्फिनिटिव का पैसिव बनाते हैं, किसका पैसिव बनाते हैं, जब हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनाते हैं तो इसका पैसिव क्या बन जाता है, टू के बाद बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। टू के बाद बी लगा देते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म। तो इट्स टाइम टू ओपन द शॉप, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखिएगा, इट इज टाइम फॉर द शॉप, किसके लिए, फॉर द शॉप टू बी ओपेंड, ये इसका पैसिव बन गया। अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गो का तो पैसिव बनता ही नहीं, तो सर इसका तो पैसिव बनेगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर जो गो है वहां पर इसकी मीनिंग, एक गो की मीनिंग क्या होना है, क्या होती है, जाना। तो यहाँ पर जो गो की मीनिंग है वो जाना नहीं है। वैसे देखा जाए ये टेंस आपको कौन सा लग रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, जैसे आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, और आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश, इसका मतलब अभी इंग्लिश पढ़ाने का काम शुरू, और जब शुरू ही नहीं हुआ तो वो कंटिन्यू कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर गोइंग की जो मीनिंग है टू स्टार्ट के सेंस में है, जाने के सेंस में नहीं है। अगर जाने के सेंस में होती तो इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता। यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ड दिया गया है तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट आपका ये है या तो ये है, ऑब्जेक्ट क्या है, नियर द ओल्ड वन क्यों नहीं है, क्योंकि अदर वर्ड है, इसके पहले क्या लगाई हुई है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन इस सेंटेंस का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, और प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है उसको हम पहले
नहीं लाते हैं, अदर वर्ड का काम करता है, तो क्या इसका पैसिव बनेगा? अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग, अब टू के साथ जब इन्फिनिटिव होता है तो पैसिव कैसे बनता है? टू बी बिल्ट, उसके बाद किसके द्वारा? बाई देम नियर द ओल्ड वन। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ सेंटेंस है, ये दोनों सेम सेंटेंसेस थे, सेम पार्ट थे, ये भी दोनों सेम पार्ट थे। रोज स्मेल्स स्वीट, इसका पैसिव बनेगा? वैसे अगर देखा जाए तो इसका पैसिव क्यों नहीं बनेगा? क्या रोज कोई एक्शन करता है? नहीं, रोज तो कोई एक्शन करेगा नहीं। इसकी मीनिंग ये नहीं है कि गुलाब सूंघते हैं मीठा मीठा, गुलाब सूंघते हैं मीठा मीठा, क्या गुलाब कभी सूंघने का काम करेगा? नहीं करेगा। तो वैसे देखा जाए इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ, तो इसका पैसिव नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं, सॉरी नहीं बनना चाहिए, लेकिन इसका पैसिव बनेगा। एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि गुलाब जो है मतलब स्वीट होता है सूंघने में? कैसे पता चला? जब आपने उसको सूंघकर, आपको कैसे पता चला कि मैंगो जो होता है वो स्वीट होता है खाने में, मधुर होता है खाने में? कैसे पता चला? आपने उसको खाकर देखा होगा, जब आपने उसको टेस्ट किया होगा तभी तो आपको पता चलेगा। तो इसका कैसे पैसिव बनता है, जरा ध्यान सुनिएगा, रोजेस स्मेल स्वीट, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? रोजेस आर स्वीट, ये क्या लिखा हुआ है? रोजेस आर स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। ठीक, रोज स्मेल्स स्वीट, इसका जो पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? रोज, हम एक जनरल ले रहे हैं प्रेजेंट में, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। मैंगोज टेस्ट स्वीट, मैंगो का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? मैंगोज आर स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, तो इसका पैसिव क्या बन गया? जब हम इसको टेस्ट करते हैं। सॉरी, हाँ, नहीं, व्हेन इट इज किसको, हमें यहाँ पर एक बार नाउन आ गया तो एक बार यहाँ पर प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इट नहीं आएगा, क्यों नहीं इट आएगा? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो हमें इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? या दीज आर टेस्टेड। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ इसको सिंगुलर किया, ताकि एक प्लूरल वाला आ सके और एक सिंगुलर वाला आ सके। ठीक सर, यस वेट, ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? द सरफेस फील्स स्मूथ, जो सरफेस है वो कैसी लगती है? उसको देखने में क्या, उसको जब हम फील करते हैं तो कैसे लगती है? स्मूथ लगती है। इसका पैसिव कैसे बनेगा? द सरफेस इज स्मूथ when it is felt हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका पैसिव बनेगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए।